ईश्वर सिंह सिसोदिया, आपको हमारे चैनल पुलिस परिवार में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा कि प्रथम प्रयास में पुलिस की एग्जाम कैसे फाइट करें। दोस्तों, मैं आज आपको बताऊंगा 90 दिन की एक स्ट्रेटजी, एक प्रॉपर गाइडलाइंस, जिसको आप फॉलो करोगे तो निश्चित ही प्रथम प्रयास में पुलिस की एग्जाम फाइट कर लोगे। दोस्तों, मैं आपको बताऊंगा, आप एमपी पुलिस हो, बिहार पुलिस हो या यूपी पुलिस हो, जिस भी पुलिस की आप तैयारी कर रहे हो, सबसे पहले आपको देखना स्टार्टिंग में आपको पिछले साल के 8 से 10 पेपर को सिर्फ लगाना नहीं, उनको पढ़ना है। जब आप उनको उचित तरीके से उनको पढ़ लोगे तो आपको एक अनुभव हो जाएगा कि इसमें आप कहाँ से क्वेश्चन आ रहे हैं। जब आपको पता चल गया कि हाँ, इसमें मैथ्स के इतने क्वेश्चन आ रहे, रीजनिंग के ये आ रहे, जीएस के यहाँ से आ रहे, जीएस के इतने आ रहे, उसके बाद एक नोटबुक लेना, नोटबुक में लिख में उसको एक डाटा बनाना कि हाँ, जैसे कि मैथ्स में इतने आ रहे, हिंदी में इतने आ रहे, रीजनिंग के इतने आ रहे और जीएस के इतने आ रहे, इतने बना के डाटा तैयार। फिर इसके बाद आपके पास खाका तैयार हो जाएगा कि आप जीएस के कितने आ रहे, मैथ्स के कितने आ रहे, रीजनिंग के कितने आ रहे। उसके बाद आप क्या करेंगे, आपको जीएस के अनुसार, मैथ्स के अनुसार जो आपको प्रेफरेंस लगे, उस अनुसार आप एक निश्चित बुक को डिटेल करना और बुक को पॉइंट आउट करना और उससे अपनी तैयारी स्टार्ट करना। ऐसे नहीं कि आप वहां से भी पढ़ लिया, वहां से भी पढ़ना, किसी भी एक बुक को निश्चित करना और उस बुक के अनुसार आप तैयारी को स्टार्ट करना। जब आप तैयारी स्टार्ट करेंगे तो कुछ समय पश्चात आपको ऐसा लगेगा कि हाँ, मेरी तैयारी स्टार्ट थोड़ी हो गई, तो आप क्या करेंगे, एक शनिवार और रविवार को एक टेस्ट लगाएंगे, शनिवार रविवार को, फिर अगले शनिवार रविवार को फिर टेस्ट लगाएंगे। इस प्रकार आपसे 8 से 10 आपके टेस्ट हो जाएंगे। फिर उसके बाद उसको आप एनालिसिस करना, आपको लगेगा कि आपकी किस में अच्छी पकड़ है, किस में कमजोरी है, किस में अच्छा है। उसका एनालिसिस के बाद आप उस जिस विषय में आपकी कमजोरी है उसके ऊपर फोकस करना। दोस्तों, अगर आप टेस्ट लगा रहे हो और आपके 100 में से 50 नंबर आए तो आपको डिमोटिवेट नहीं होना, आपको धीरे धीरे इंक्रीजेस बढ़ना है। जैसे आज 50 आए, 55 आएंगे, धीरे धीरे 50 आ गए, तो ऐसा नहीं आप टेस्ट लगाए, शनिवार रविवार को टेस्ट लगाए और जब आपको लगे कि हाँ, मेरी तैयारी अच्छी हो गई, तो आप रोज एक टेस्ट लगाइए, रोज एक टेस्ट लगाते जाइए और उसका एनालिसिस करते जाइए। उसके बाद लास्ट 15 दिन में आपको 2 टेस्ट रोज लगाने। अगर आपकी आपकी तैयारी अच्छी हो गई तो आपको 2 टेस्ट लगाने, अगर आपकी तैयारी अच्छी नहीं हुई तो आपको 1 टेस्ट रोज लगाना है। उसके बाद आपको जो स्टार्टिंग में आप जो डाटा पढ़ते ना, उसका लास्ट में रिविजन करना बहुत आवश्यक है। यदि आप रिविजन नहीं करोगे तो निश्चित आप सफल नहीं हो पाओगे। इसका बहुत बड़ा कारण क्या है, अपन क्या करते हैं कि खत्म करने के चक्कर में लगते हैं। जैसे कि ये कोई सी बुक लो अपन, तो अपन क्या करते हैं उसको जल्दी जल्दी खत्म कर देते, इसको भी पढ़ लिया, उसको भी पढ़ लिया, उसको भी पढ़ लिया, इसके पढ़ने के चक्कर में आप ज्यादा डाटा खरीदने के चक्कर में कम डाटा अपन को याद नहीं रहता है और उसके चक्कर में अपनी दिल तो खुश हो जाता है, हाँ मैंने खत्म कर दिया, लेकिन खत्म करने से कुछ नहीं होने वाला। आप कम कम पढ़ो और एंड में रिवीजन बहुत करना है। जो आपको आप पढ़ते जाते हो, आप पढ़ रहे हो जैसे कि ये कुछ भी पढ़ रहे हो, तो इसमें आप टिक जरूर करते जाना एंड में रिवीजन कर लिए, क्योंकि रिवीजन ही सफलता की कुंजी है। बिना रिवीजन के आप कुछ नहीं कर सकते हो। इसके अलावा आप जैसे एग्जाम से एक दिन पहले की बात करता हूँ मैं, एग्जाम से एक दिन पहले आपको कुछ भी पढ़ना है। ऐसा नहीं कि आप 30 मार्क बन जाओगे एक दिन में पढ़ के मैं निपटा दूंगा, या सभी ऐसे करते हैं कि मैं ये भी पढ़ लूँ, वो भी पढ़ लूँ, ये नहीं पढ़ना। लास्ट एक दिन आपको रेस्ट करना, रात को फुल नींद लेनी, ऐसी नहीं है कि दिन में मत सोना, दिन में सोओगे तो रात में नींद नहीं आएगी, उसके चक्कर में आपका फिर पेपर सुबह पेपर बिगड़ने के पूरे चांस हो जाते हैं। अब मेरा दोस्त कपिल सोनी बताएगा आपको कैसे थे। हेलो फ्रेंड्स, मैं कपिल सोनी। जैसे दोस्त ने आपको सारी स्ट्रेटेजी बता दी है, लेकिन इसके बाद आपको सब्जेक्ट वाइज थोड़ा 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 जो आपका वीक सब्जेक्ट है उस पर आपको फोकस करना है, जो आपका स्ट्रेंथ सब्जेक्ट है उस पर आप थोड़ा 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 करते रहिए, लेकिन जो वीक सब्जेक्ट है उस पर आप ज़्यादा टाइम दीजिए। आप एमपी जीके को भी प्रेफर कीजिए, करंट को भी पढ़िए, रीजनिंग को भी लीजिए, मैथ्स को भी लीजिए, स्टैटिक जीके को लीजिए। एमपी जीके, स्टैटिक जीके और करंट ये मैक्सिमम पूछा जाता है, प्लस मैथ्स। इन लोगों इन सब्जेक्ट्स को आप इक्वल लेके चलोगे तो डेफिनेटली आप फर्स्ट अटेम्प्ट में एग्जाम क्लियर कर पाओगे। बाकी दोस्त ने बताया आपको कि टेस्ट लगाना, टेस्ट लगाने के बाद आप उसको एनालाइज करें। हर सैटरडे संडे को आप टेस्ट लगाइए, टेस्ट लगा लिया, आपने एनालिसिस कर लिया, आपको पता चला कि आपका कौन सा सब्जेक्ट वीक है, वो सब्जेक्ट वीक है उस पर आप उसको अलग से नोट्स बनाइए और जो जो से टॉपिक आपको वीक लग रहे हैं उन टॉपिक को आप अच्छे से या तो यूट्यूब के थ्रू पढ़िए, या फिर आपके टीचर्स उनके थ्रू पढ़िए, या फिर बुक्स के थ्रू पढ़िए। आप उनको एनालिसिस करके अच्छे से पढ़ के
आप उस टॉपिक पर अपनी कमांड बना सकते हो। थैंक यू फ्रेंड्स। आपको एक ही चीज को फॉलो करना है, 10 की तरफ नहीं मुड़ना, इस पे भी फोकस कर लो, इस पे फोकस कर लो। और एक और बात हमेशा ध्यान रखना, सभी विषयों को थोड़ा थोड़ा रोज पढ़ना। ऐसा नहीं कि आप सिर्फ पढ़ रहे तो मैथ्स के 15 दिन मैथ्स खत्म करने लग गए, फिर 15 दिन जीएससी जीएस पढ़ रहे, ऐसा नहीं पढ़ना। थोड़ा एक घंटा ये पढ़ना, एक घंटा पढ़ना, जो विषय आप कमजोर है उसको आप एक्स्ट्रा टाइम दे सकते हो। इसके अलावा ऐसा नहीं कि आप पूरा एक ही इसमें खत्म करने के चक्कर में लगना। ठीक है दोस्तों, जय हिंद।